अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सफ़र यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों फ्री में हमेशा मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, पूरी दुनिया में आप लोगों को पता होगा कि इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको दोस्तों सुन के काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होगी, कतर इसमें से टॉप 10 में शामिल हुआ है। तो खबर दोस्तों क्या है, आप पढ़ सकते हो, टॉप 10 कंट्री विद द मोस्ट पीपल यूजिंग द इंटरनेट। तो पहले नंबर पे दोस्तों है सऊदी अरेबिया, जहां पे 100% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। कतर दोस्तों दूसरे नंबर पे है, जहां पे 100% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अगले नंबर पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई, जहां पे 100% लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला है बहरीन, जहां पे 100% लोग इस्तेमाल इंटरनेट का करते हैं। अगला है दोस्तों कुवैत, जहां पे 100% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी 6 गल्फ कंट्रियों में 5 गल्फ कंट्रियाँ ऐसी हैं जो कि टॉप 5 में आई हैं ओमान को छोड़कर। वहीं पर 6वें नंबर पर दोस्तों नॉर्वे है, जहाँ पर 99% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 7वें नंबर पर बरमूडा है, जहाँ पर 98% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 8वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 96% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 9वें नंबर पर आयरलैंड है, जहां पे 95% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और 10वें नंबर पे स्पेन है, जहां पे 94% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये पूरे टॉप 10 जो है कंट्री इंटरनेट को वहां पे जारी किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। अगली जो खबर दोस्तों आ रही साथियों, कतर का लीव को लेकर यानी छुट्टियां को लेकर। तो भाई आप लोगों को पता होगा जो कतर में छुट्टियां दी जाती है वो लेबर लॉ के आधार पे आपको छुट्टियां दी जाती है। वैसे पूरे डिटेल के साथ मैं वीडियो में बता चुका हूँ, सुबह के वाली वीडियो में नहीं देखे तो आप देख लीजिए, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ दोस्तों। वैसे तो जेन्युइन छुट्टियां बहुत ही कम होता है कतर में, पर लेबर लॉ के अनुसार आप 121 दिनों की छुट्टियां ले सकते हैं। अब दोस्तों 121 दिन में बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि 121 दिन आप ले सकते हो, उसकी बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन है। सबसे पहले दोस्तों 50 दिन तो छुट्टियां उन महिलाओं को मिलती हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है, यानी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो 50 दिन की छुट्टियां ले सकती है, उनको पूरा सैलरी दे दिया जाता है। तो 50 दिन तो दोस्तों उसमें ऐसे ही घट गया, जब तक महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी आपको उतनी दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। तो साथियों यदि देखना चाहते हो कितने दिन की छुट्टियां हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिए, वहां पर मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको बताया है। अगली जो खबर दोस्तों आ रही है बहुत ही अच्छी खबर है साथियों, दोहा एक्सपो को लेकर। तो भाइयों आप लोगों को सभी को पता होगा कतर में इस साल दोहा एक्सपो होने वाला है, जिसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूं कि वहां पे वॉलंटियर की हजारों वॉलंटियर की जरूरत पड़ेगी। तो साथियों दोहा एक्सपो में जो वॉलंटियर की जरूरत पड़ने वाला है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है बहुत ही जल्दी आने वाला है, खबर को आप पढ़ सकते हो। एक्सपो 2023 दोहा वॉलंटियर डिटेल एंड क्राइटेरिया रिवील्ड एज एप्लीकेशन टू। तो साथियों दोहा एक्सपो बहुत ही जल्दी कतर में होने वाला है, जिसमें हजारों वॉलंटियर की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी भाई लोग आप लोग वॉलंटियर का काम जानते हो, वॉलंटियर में जाना चाहते हो, तो जल्दी से जाके एप्लीकेशन फॉर्म में जल्दी जाके फिलअप वगैरह कीजिए ताकि आपको भी इसका मौका मिल सके। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।